हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्टा रिव्यूज। तो आज हम बात करने वाले हैं देवरा पार्ट वन के फर्स्ट ग्लिम्स के बारे में। फाइनली भाई, देवरा पार्ट वन का हमें ग्लिम्स देखने को मिल चुका है और जूनियर एनटीआर की नेक्स्ट मूवी रहने वाली है आरआरआर के बाद। तो भाई, कैसा था देवरा पार्ट वन का फर्स्ट ग्लिम्स, डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले, अगर कोई भी इस चैनल पर नया आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए डिटेल में बात करते हैं। तो भाई, देवरा पार्ट वन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मूवी आने वाली है टू पार्ट्स में। तो आप अंदाजा लगा लीजिए भाई मूवी कैसी रहेगी और टू पार्ट्स में क्यों बनाई गई है, इसका क्रेज बनाने के लिए। और भाई मुझे लगता है स्टोरी खासी अच्छी लंबी होने वाली है। मूवी के मेकर्स पहले ही बोल चुके हैं कि ये भारत की गेम ऑफ थ्रोन्स रहेगी। तो गेम ऑफ थ्रोन्स भाई आप सीरीज जानते ही हैं कि कैसी थी, इतनी जबरदस्त गेम ऑफ थ्रोन्स की वेब सीरीज थी। तो भाई वैसी ही कुछ ये मूवी रहने वाली है गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप। तो इस मूवी में फ्रेंड्स आपको लीड रोल में जूनियर एनटीआर के साथ सैफ अली खान और जानवी कपूर नजर आने वाले हैं। जानवी कपूर जो कि भाई इस मूवी की लीड एक्ट्रेस होगी और भाई सैफ अली खान एज ए विलन। तो भाई सैफ अली खान को आप विलन के रोल में जानते ही हैं कि कितना खतरनाक विलन का रोल प्ले करते हैं। तो भाई खली बली आपको याद ही होगा, तो वो भाई मुझे लगता है कि दोबारा से होने वाला है और इस बार भाई समुन्द्र के बीचों बीच लड़ाइयां होने वाली है। तो आपको लाल समुन्द्र सारा देखने को मिलेगा। भाई आपने फर्स्ट ग्लिम्स देखा ही होगा, 1.5 मिनट का फर्स्ट ग्लिम्स दिखाया गया है जिसमें हमें समुद्र के अलावा और कुछ नहीं दिखाया गया। समुद्र में ही भाई चोरियां होंगी, समुद्र में ही लड़ाई होगी। तो भाई यहाँ पर जो देवरा है यानी कि जूनियर एनटीआर, समुद्र में ही एक्शन करते हुए नजर आएंगे और इसमें भाई हमें अंडर वाटर एक्शन सीन्स बहुत बढ़िया देखने को मिलने वाले हैं जो कि मूवी के मेकर्स के द्वारा बताया गया है। तो भाई रेड सी बोला गया है, रेड सी जहां पर खून के अलावा और कुछ नहीं, मछलियां भी इसमें बहुत कम है भाई, खून के अलावा खून बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो हमें ग्लिम्स दिखाया गया है उसमें बहुत ही बढ़िया चीजें देखने को मिली जो मैंने नोट आउट की है भाई, आपको बताता हूँ। फर्स्ट पार्ट तो भाई वो था जब हमें मून कट सीन दिखाया गया। मून कट सीन इतना जबरदस्त है भाई, आपने भाई आज से पहले इतनी अच्छी डायरेक्शन कभी नहीं देखी होगी। मैंने इससे पहले भाई आरआरआर में भाई राजामौली की डायरेक्शन देखी थी जो कि बाहुबली में भी और राजामौली की आरआरआर में भी डायरेक्शन बहुत जबरदस्त थी, लेकिन भाई कोटला शिवा ने उसको भी पार कर दिया है भाई। ऐसे सीन्स कौन बनाता है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है भाई मून कट सीन ऐसा, जो खून के छींटे वहां से जा रहे हैं भाई चंद्रमा के ऊपर से, बहुत जबरदस्त सीन था। इसके बाद भाई जब म्यूजिक की शुरुआत होती है, जब हम ग्लिम्स को देखते हैं तो उसने पहले ही बोला है भाई कि मुझे छेड़ो मत, छेड़ोगे तो भाई खून ही खून बहेगा। तो भाई समुन्द्र में शांति तो होती नहीं है, आप जानते ही हैं, तो उससे ही लिंक किया गया है। और इसके बाद जो म्यूजिक दिखाया गया है हॉलीवुड लेवल म्यूजिक, भाई इतनी अच्छी वाइब दे रहा है। अभी से ही अनिरुद्ध का म्यूजिक है, अनिरुद्ध का म्यूजिक आप जानते ही हैं, जवान और जेलर जैसी सुपरहिट मूवीज में भाई अपना म्यूजिक दे चुके और आने वाली मूवीज में अपना म्यूजिक देते रहेंगे। भाई अनिरुद्ध का म्यूजिक जान निकाल देता है, बहुत ही बढ़िया म्यूजिक था। तो भाई आप इंजॉय कीजिए इसका फर्स्ट क्लिप्स, आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो अभी तो सिर्फ फ्रेंड्स देवरा का हमें फर्स्ट लुक दिखाया गया है, अभी तो बाकी कैरेक्टर्स के भाई फर्स्ट लुक्स देखने बाकी हैं, तो जो कि हमें मुझे लगता है टीजर में दिखाए जाएंगे। और भाई ये मूवी आने वाली है 5th अप्रैल 2024 को, तो मुझे लगता है इसका ट्रेलर शायद मार्च में ही रिलीज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको इसका फर्स्ट ग्लिम्स कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।